To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन माय पर्सनल पोर्टफोलियो, ये जो मैंने ऑलरेडी इनको बाय किया हुआ है और मैं पिछले दो सालों से लगभग इनको वॉच कर रहा हूँ, तो काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए आप, स्मॉल कैप में मुझे सबसे बेस्ट फंड लगा रिलायंस स्मॉल कैप, और अभी आपको बाय करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखिए ये रिलायंस स्मॉल कैप का चार्ट है। अगर आप 6 महीने का मुझे चार्ट को देखें तो लगभग आपको जो आज ये जो एनएवी मिल रही है, लगभग आपको नवंबर के एनएवी के बराबर एनएवी मिल रही है। मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब लगभग 4 महीने पुरानी एनएवी आपको बाय करने आपको मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ रिलायंस स्मॉल कैप में आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं तो मिड कैप के बारे में, तो मिड कैप में मुझे सबसे जो अच्छा फंड लगा वो मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये काफी अच्छा फंड है, काफी अच्छा मुझे इसका रिकॉर्ड लगा है, और इसी फंड को भी अगर आप भी बाय करना चाहते हैं तो काफी सस्ते दाम पे ये मिल रहा है। आप 6 महीने का इसका ये चार्ट देखिए, ये लगभग आपको जो सितंबर 21 को जो एनएवी थी वो लगभग एनएवी आपको मिल रही है, मतलब लगभग 6 महीने पुराना एनएवी पे आपको ये आज मिल रहा है। तो कोई बुराई नहीं है इसमें आज अगर आप परचेस करना चाहें तो मिड कैप का सेगमेंट का ये मैं आपको बताया। उसके बाद अगर हम जाते हैं लार्ज कैप में, तो लार्ज कैप में मुझे मेरे पोर्टफोलियो में सबसे अच्छा जो फंड लगा है लार्ज कैप में रिलायंस टॉप 200। तो रिलायंस टॉप 200 भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बेस्ट है अगर आप बाय करना चाहते हैं। इसका अगर आप एनएवी का चार्ट देखें तो एनएवी का चार्ट देखिए आप, इसका ये चार्ट अगर हम देखें उसके बाद में अब मैं बताता हूँ आपको कि लगभग आपको अक्टूबर में का एनएवी आपको मिल रही है। 4 अक्टूबर को जो एनएवी थी वो एनएवी आज आपको मिल रही है, मतलब अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, देखो 5 महीने पुराने रेट पर आपको एनएवी मिल रही है। तो बेस्ट है अगर आप चाहते हैं आज इन्वेस्ट करना तो कर सकते हैं आप इन्वेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं डाइवर्सिफाइड फंड जो है मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस मल्टी कैप 35। ये बहुत ही अच्छा फंड लगा मुझे, मतलब डाइवर्सिफाइड है तो मतलब इसका रिटर्न मुझे बहुत सही लगा है। और इस फंड के अगर हम चार्ट देखें तो इस फंड का चार्ट देखिए आप, चार्ट देखने के बाद में आप अगर आप तो उसको देखेंगे तो लगभग 6 महीने पुराने रेट पर आपको मिल रहा है, मतलब काफी सस्ते दाम पे मिल रहा है अगर आपको इसको लेना चाहते हैं तो, और आगे आने वाले मार्केट में काफी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको जो 5 फंड बताए हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और क्या बोलते हैं डाइवर्सिफाइड, और उसके बाद में ELSS भूल गया था मैं, ELSS आदित्य बिरला सनलाइफ टैक्स रिलीफ 96, बहुत ही अच्छा फंड है ये टैक्स रिलीफ के लिए, टैक्स सेविंग के लिए। इसका अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट देखिए आप, चार्ट देखने के बाद में आपको बताता हूँ मैं कि लगभग अक्टूबर लगभग 5 महीने पुराना रेट पर आपको ये एनएवी मिल रही है। तो यहाँ भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मार्च एंडिंग है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।